हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टेली होम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम टेली ईआरपी 9 सॉफ्टवेयर और अकाउंट से रिलेटेड नॉलेजेबल एवं प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कि टैली में सेल का बिल कैसे बनाया जाता है, परचेज का बिल कैसे पोस्ट किया जाता है और क्रेडिट नोट और डेबिट नोट कैसे बनाए जाते हैं और इनका क्या मतलब होता है। वो भी हम पूरा प्रैक्टिकल तरीके से सीखेंगे, थ्योरेटिकल कुछ नहीं होगा, जैसा कि बिजनेस में होता है उसी तरीके से सीखेंगे। बाकी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने पेमेंट की एंट्री, रिसीप की एंट्री, कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री और जर्नल की एंट्री, इनके बारे में सीखा था। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम टोटली प्रैक्टिकल सीखेंगे और जो टैली ऑलरेडी जानते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि इसमें हम कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं कि टैली के अंदर सेल का बिल, परचेस का बिल और क्रेडिट नोट और डेबिट नोट कैसे पोस्ट किया जाते हैं और इन सबका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले हम टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर आते हैं। यहाँ पे हमें किसी भी वाउचर को पोस्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, शॉर्टकट की वाउचर दबाना पड़ता है या ट्रांजैक्शन में वाउचर के अंदर आना पड़ता है। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी इन चार वाउचरों के बारे में बता चुके हैं, कॉन्ट्रा, रिसीप, जर्नल एंड पेमेंट का वाउचर में। आज हम सीखेंगे ये चार वाउचर, सेल, परचेज, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। तो चलिए समझते हैं कि पहले ये होते क्या हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सीखेंगे परचेज के वाउचर में, जिसकी शॉर्टकट की होती है F9। परचेज के वाउचर के अंदर कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स की एंट्री की जाती है, इसको पहले हम समझ लेते हैं, क्योंकि पहले हमें इसका पता होना चाहिए। तो जब हम गुड्स या सर्विस की परचेज करते हैं, चाहे नगद हो या फिर वो उधार हो, वो किस में जाएगी, परचेज के वाउचर के अंदर F9 में। यहाँ पे हमने मेंशन किया गुड्स एंड सर्विस, ना कि केवल गुड्स। गुड्स और सर्विस जब भी हम खरीदेंगे, चाहे वो नगद में खरीदें चाहे वो उधार में खरीदें, उसकी पोस्टिंग हम किसके अंदर करेंगे, परचेज के अंदर करेंगे। सेकंड नंबर पे जब हम गुड्स को सेल करने के लिए परचेज करते हैं, तो उसकी पोस्टिंग परचेज वाउचर में आइटम इनवॉइस की तरह रिकॉर्ड की जाती है। ये अभी मैं आपको वहीं पे चल के बताऊंगा कि उसमें हम परचेज के अंदर दो तरीके की इनवॉइस होती है, एक आइटम इनवॉइस और एक अकाउंटिंग इनवॉइस। आइटम इनवॉइस का मतलब जो हम किसी आइटम को परचेज करते हैं तो उसको हम आइटम इनवॉइस कहते हैं, और अकाउंटिंग इनवॉइस के अंदर हम उन वाउचरों की फीडिंग करते हैं, या तो हम वो सर्विस ले रहे हो या फिर वो वाला गुड्स है जो कि हम बेचने के लिए ना खरीद रहे हो। इसको भी हम प्रैक्टिकल तरीके से करेंगे, अभी थ्योरी है, मैं इसको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा कि क्या मतलब है यहाँ पे। थर्ड नंबर पे जब हम सर्विस को परचेज करते हैं, तो उसकी पोस्टिंग परचेज के वाउचर में अकाउंटिंग इनवॉइस की तरह करते हैं। तो यहाँ पे तीन चीज़ें हमारे समझ में आएगी, हम परचेज के वाउचर में क्या क्या पोस्ट करेंगे। नंबर एक, जब हम गुड्स एंड सर्विस को परचेज कर रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, नगद में या कर रहे हो चाहे उधार में कर रहे हो, परचेज के वाउचर में पोस्ट करेंगे। गुड्स का मतलब होता है जब हम आइटम खरीदते हैं, सर्विस का मतलब जो हम किसी से कोई सर्विस लेते हैं, जैसे कि सीए से सर्विस लेना, वकील से सर्विस लेना, आर्किटेक्चर से सर्विस लेना और तमाम तरीके की सर्विस है, टेलीफोन की सर्विस है, इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस है और बहुत सारी सर्विसेज हैं। उन सर्विसेज को जब हम लेते हैं तो परचेज के वाउचर में जाएगी। सेकंड नंबर पे जो हम गुड्स को सेल करने के लिए परचेज करते हैं, अब इस चीज़ को समझते हैं। तो यहाँ पे शॉर्टकट की क्या है परचेज की, F9। तो यहाँ पे हम F9 की प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे की यहाँ पे हाईलाइट हो रही है आइटम इनवॉइस। अभी देख रहे हैं हम यहाँ पे लिखा आ रहा है पर्टिकुलर, यहाँ पे किसी आइटम का नाम नहीं है। जब हम इसको ऑल्ट आई की प्रेस करेंगे, ऑल्ट आई याद रखिए, वीडियो को ढंग से समझिए आप, एंड तक देखिए तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पे लिखा आ गया नेम ऑफ आइटम, यहाँ पे क्या लिखा गया नेम ऑफ आइटम, और देखिए यहाँ पे चेंज हो गया। ये अब अकाउंटिंग इनवॉइस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट आई। जब मैं इसको ऑल्ट आई कर दूंगा तो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम हट जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा पर्टिकुलर। यही चीज़ हमें सीखनी है, इसलिए मैंने वहाँ पे अपने थंबनेल में भी लिखा है कि जो ऑलरेडी टैली जानते हैं वो भी इस वीडियो को देखे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो ऑल्ट आई मतलब हम जब आइटम इनवॉइस की तरह जब हम गुड्स को परचेज करने के लिए खरीद रहे हैं, यहाँ पे हमने मेंशन करा है जब हम गुड्स को सेल करने के लिए परचेज करते हैं, सेल करने के लिए जब हम परचेज करेंगे तो उसकी पोस्टिंग परचेज वाउचर में आइटम इनवॉइस में रिकॉर्ड करेंगे। ये अभी हमारा आइटम इनवॉइस ओपन है, ठीक है। और जब हम इसको सेल करने के लिए परचेज नहीं कर रहे तो हम उसको अकाउंटिंग इनवॉइस की तरह फीड करेंगे। इसका क्वेश्चन अब हम ले लेते हैं, हमने यहाँ पे क्वेश्चन भी तैयार किया है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है परचेज ट्रांजेक्शन का, कि 1/1/20 को हमने परचेज कराया बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स से हरिद्वार से, उसका इनवॉइस नंबर ये है और ये आइटम है। चलिए अब हम इसको हम पोस्ट करते हैं, यहाँ पे हम डेट चेंज कर लेते हैं 1/1/2020। सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या है, यहाँ पे 54 है। पार्टी का नाम क्रिएट कर लेते हैं बजाज इलेक्ट्रॉनिक, ऑल्ट सी करेंगे शॉर्टकट की नाम क्रिएट करने की। माल खरीद रहे हैं तो हमारा लेनदार है, संडी क्रेडिटर ग्रुप में जाएगा। यहाँ पे हम डाल देंगे कि कहाँ का है, उत्तराखंड का है, हरिद्वार उत्तराखंड में पड़ता है। अभी यहाँ पे देखिए जीएसटी नंबर वगैरह नहीं आ रहा है, इसका मतलब अभी यहाँ पे जीएसटी इनेबल नहीं है। तो जीएसटी इनेबल करने के लिए हम क्या करेंगे, F11 की प्रेस करेंगे। यहाँ पे फीचर्स की होती है F11, F11 में जाने के बाद यहाँ पे हम F3 प्रेस करेंगे स्टैचुरी। F3 प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम इसको यस कर देंगे एंड सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल में हम यस कर देंगे।
हमारा उत्तर प्रदेश में है, जीएसटी नंबर हम अपना डाल देंगे, एंड इसको एंटर एंटर करके हम सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे जीएसटी हमारा इनेबल हो गया, जीएसटी इनेबल होते यहाँ पे देखिए जीएसटी का फंक्शन हाईलाइट हो गया। तो यहाँ पे हम जीएसटी नंबर पार्टी का डाल देंगे 05AGLB5383। ये फेक जीएसटी नंबर है, बस क्वेश्चन को समझाने के लिए हमने यहाँ पे एंटर करा है। तो ये हमने क्रिएट कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पे परचेज के अंदर परचेज का लेजर बनाएंगे, क्योंकि हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं। तो परचेज अकाउंट अंडर ग्रुप परचेज होगा इसका, यहाँ पे हम जीएसटी को सेट ऑल्टर करेंगे। वैसे मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ कि हमें जीएसटी कहाँ पे सेट करना चाहिए, तो वो आप जाके देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे यस क्यों करा है, इसका रीज़न आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। तो ये सारा गुड्स है हम 12 और 18 में खरीद रहे हैं, पर मैं इसको अभी यहाँ 12% कर रहा हूँ, हम एक ही स्लैब चला रहे हैं, नहीं तो थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम यहाँ पे एज्यूम कर देंगे कि 12% ही है सारा, अदरवाइज वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा अगर मैं इसको समझाने बैठूंगा। वैसे हमने एक अपना पिछला वीडियो बनाया कि जीएसटी रेट को कैसे सेट किया था, वो आप लिंक उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करा, परचेज का लेजर क्रिएट किया और यहाँ पे टैक्सेबल करके हमने यहाँ 12% टैक्स डाल दिया और उसको सेव कर दिया। एंड हम गुड्स खरीद रहे तो हमने गुड्स सेव करके इसको सेव कर दिया। परचेज का लेजर हमारा क्रिएट हो गया। इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल में आएगा, क्योंकि अपने स्टेट से बाहर हम खरीद रहे हैं, हमारा यूपी है, और हम कहाँ से माल खरीद रहे हैं, उत्तराखंड से। तो यहाँ पे हमने कर दिया। ऑल्ट सी करेंगे आइटम, क्योंकि आइटम खरीद रहे हैं, तो LH185 हम रेफ खरीद रहे हैं। तो ये अभी हम आइटम इनवॉइस की तरह इसको फीड कर रहे हैं। प्राइमरी में हमने डाल दिया। यहाँ पे ऑल्ट सी करेंगे, यहाँ पे इसकी यूनिट क्या है, पीसेज। ये मैं ऑलरेडी इसके ऊपर एक क्वेश्चन बना चुका हूँ, तो मैं भी ये थोड़ा सा स्पीड में कर रहा हूँ। बाकी आप डिटेल देने के लिए वो आपको उसका वीडियो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल सकते हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपको यही क्वेश्चन आपको पूरा प्रॉपर तरीके से समझाया हुआ वहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे अभी हम थोड़ा सा स्पीड में कर रहे हैं। यहाँ पे गुड्स को जीएसटी को एप्लीकेबल करेंगे, पर यहाँ पे सेट ऑल्टर डिटेल के अंदर कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने परचेज के लेजर में ऑलरेडी 12% हमने फीड कर दिया है। तो यहाँ पे हम 5 क्वांटिटी खरीद रहे हैं 10,000 की। नेक्स्ट आइटम हमारा LH195 रेफ पीसेज में खरीद रहे हैं, यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करेंगे, बस इसको सेव कर देंगे। 5,10,500 का। अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 3 आइटम ही फीड करते हैं, अदरवाइज वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं बाकी के आइटम डिलीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि हमें बेसिकली मतलब समझना है कि परचेज का मतलब क्या है, सेल का मतलब क्या है। तो यहाँ पे हम खाली 3 आइटमों की परचेज अभी चढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट आइटम हमारा है LH 22 इंची LED पीसेज में खरीद रहे हैं, जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे, पर सेट ऑल्टर नहीं करेंगे, क्योंकि हमने परचेज के लेदर में ऑलरेडी परसेंटेज को हमने फिल कर दिया है। 5 पीस 8,500 के। और यहाँ पे हम अब टैक्स का लेजर क्रिएट करेंगे, क्योंकि टैक्स लग रहा है। CGST नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम नहीं कर रहे हैं। IGST करेंगे, क्योंकि हमने बाहर से गुड्स को परचेज करा है। जब हम बाहर से अपने स्टेट से बाहर से गुड्स को परचेज करते हैं, तो हम IGST लगाते हैं। जब हम अपने सेम स्टेट में गुड्स की खरीद और पेच करते हैं, तो हम वहाँ पे CGST और SGST लगाते हैं। तो ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएगा, क्या टैक्स है, GST है, इंटीग्रेटेड है। यहाँ पे किसी तरीके की कोई परसेंटेज हमें फिल करने की ज़रूरत नहीं है, और कभी भी टैक्स यहाँ पे मैनुअली नहीं डालना, ऑटो मोड पे अपने आप ले। तो इसने अपने आप टैक्स को ले लिया 17,400 रुपये। इसका एनालाइज करने के लिए हम ऑल्ट ए की दबा सकते हैं, टैक्स का वहाँ पे एनालाइज हो जाता है। ठीक है, अब हमने IGST हमारा लग गया, ये हमारा परचेज का बिल फीड हो गया। तो यहाँ पे हमने जो मेंशन किया था, जब हम गुड्स को सेल खरीदने के लिए परचेज करते हैं, सेल करने के लिए परचेज करते हैं, तो उसे आइटम इनवॉइस में हम फीड करते हैं। तो हमने ऑल्ट आई करके आइटम इनवॉइस में फीड करा है, अकाउंटिंग इनवॉइस की तरह फीड नहीं किया है, क्योंकि इस गुड्स को हमें सेल करना है। तो ये हमारा पहला जो है परचेज की एंट्री कंप्लीट हो गई और ये हमने सेव कर दिया। अब अपने क्वेश्चन पे हम दोबारा से चलते हैं। यहाँ पे हम लिख रहे हैं परचेज फॉलोइंग फर्नीचर फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस ऑन क्रेडिट। यहाँ पे हम फर्नीचर खरीद रहे हैं, मतलब अपने ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीद रहे हैं, बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हैं। तो इसको हम किस में फीड करेंगे, आइटम इनवॉइस में फीड करेंगे। हालांकि हम यहाँ पे गुड्स तो खरीद रहे हैं, टेबल्स खरीद रहे हैं, चेयर खरीद रहे हैं, पर हम इसको फीड किस में करेंगे, आइटम इनवॉइस में फीड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें बेचने के लिए नहीं खरीदना है, हमें अपनी असेट्स के रूप में यहाँ पे खरीदना है। तो चलिए अब इसको हम फीड कर लेते हैं। डेट चेंज कर लेंगे 2/1/2020। किससे खरीद कर परचेज करें, राज फर्नीचर, इसका लेजर क्रिएट करेंगे ऑल्ट सी दबा के।
संधि क्रेडिटर है क्योंकि हम इससे माल खरीद रहे हैं, तो लेनदार है। एज्यूम कर रहे हैं यूपी का ही है। और यहाँ पे जीएसटी नंबर हम इसका फिल कर देंगे 09CYMPS 94011F2Z2। देखिए अब जब हम इसको ऑल टाई करते हैं तो ये एंट्री हमारी कहाँ जाती है, परचेज में, पर हम इसे आइटम इनवॉइस की तरफ फीड नहीं कर रहे। इसमें मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है, जितना भी हम गुड्स या सर्विस को परचेज करते हैं जाएगा वो परचेज के अंदर ही, पर अकाउंटिंग इनवॉइस या आइटम इनवॉइस में। तो अभी हम इसको अकाउंटिंग इनवॉइस में फीड करेंगे क्योंकि हम खरीदने के लिए नहीं बेच रहे। तो जैसे हमने ऑल टाई करा, यहाँ से परचेज का लेजर हो गया गायब। अब यहाँ पे हम एक्सपेंस का लेजर बनाएंगे या असेट्स का, तो हम यहाँ पे एक असेट्स का लेजर बना रहे हैं फर्नीचर का, फिक्स्ड असेट्स के नाम से बना रहे हैं। और यहाँ पे हम टैक्स देख लेते हैं, क्वेश्चन में टैक्स लगा है 18%, तो हम यहाँ पे 18% टैक्स को एनेबल कर देंगे, टैक्सेबल करके 18% उसको सेव कर लेंगे। एंड ये हमारा गुड्स में जाएगा और ये हमने सेव कर दिया, ठीक है। तो ये हमने कितने का खरीदा है, 6,000, 1,200 और 7,000। हम सारी वैल्यू को क्लब कर लेते हैं, तो 6 और 1 7, 7 और 7, 14,200 रुपये का हो गया। अदरवाइज़ आप अलग अलग भी कर सकते हैं, पर वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम यहाँ पे इसको शॉर्टकट में ही सारी वैल्यू को हमने जोड़ लिया है। टैक्स लगाएंगे CGST SGST क्योंकि लोकल का है, तो ऑल्ट सी दबा के CGST ड्यूटी एंड टैक्सेस GST CGST के अंदर डालेंगे सेंट्रल टैक्स में, और किसी भी तरीके का कोई परसेंटेज नहीं डालेंगे। तो इसने अपने आप टैक्स को ले लिया यहाँ पे। देन हम SGST का लेजर क्रिएट करेंगे, SGST ड्यूटी एंड टैक्सेस में, GST स्टेट टैक्स के अंदर उसको हमने सेव कर दिया। तो टैक्स देखिए यहाँ पे मैनुअली नहीं हम फिल कर रहे, अपने आप आना चाहिए टैक्स, कभी हमें मैनुअली फिल नहीं करना है। मैनुअली फिल करोगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गड़बड़ है या आपने लेजर गलत बनाया है। तो ये हमने क्रिएट कर लिया। नीचे नरेशन के अंदर आप नरेशन डाल सकते हैं, जो भी डालना आप चाहे कि फर्नीचर परचेस्ड या XYZ जो भी आप फिल करना चाहें। तो ये हमारी अकाउंटिंग इनवॉइस वाली एंट्री हमारी फीड हो गई, ओके। नेक्स्ट एंट्री अब हमारी क्या है, सर्विस इनवॉइस की है। ये देखिए थर्ड नंबर पे हमारा इनवॉइस नंबर 2 रिसीव फ्रॉम CA एज ऑडिटिंग चार्जेस। अब यहाँ पे हम क्या परचेस कर रहे हैं, सर्विस परचेस कर रहे हैं, तो डेट चेंज करेंगे क्योंकि परचेस कर रहे हैं, तो परचेस के एंड वाउचर में फीड होगी। CA हमें एक इनवॉइस दे रहा है तो हम यहाँ इनवॉइस नंबर डाल देंगे, CA की कंपनी का नाम डाल देंगे जो भी कंपनी होगी। यहाँ पे हम नाम देते हैं CN कंपनी डाल देते हैं, एज्यूम कर रहे हैं सन्ड्री क्रेडिटर में क्योंकि पैसा हमसे लेगा। यूपी का है तो यूपी डालेंगे, बाहर का है तो बाहर में, सेम स्टेट का है तो सेम स्टेट, अदर स्टेट है तो अदर स्टेट में हम डाल के उसको फिल कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, इससे सर्विस ले रहे हैं, इसलिए हम परचेज में कर रहे हैं। हम इसको ऑल्ट आई आइटम की तरफ फीड नहीं कर सकते क्योंकि हम यहाँ पे आइटम नहीं खरीद रहे, सर्विस खरीद रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेंशन करा था जब हम गुड्स को सेल करने के लिए परचेज करते हैं तो आइटम इनवॉइस में, जब हम सर्विस को परचेज करते हैं तो उसकी पोस्टिंग परचेज के वाउचर के अकाउंटिंग इनवॉइस में जाती है। तो अकाउंटिंग इनवॉइस की तरफ हम फीड कर रहे हैं, ऑल्ट आई की का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऑल्ट सी करेंगे, यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करेंगे ऑडिटिंग चार्जेस का, जिसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल देंगे और इस पर टैक्स हम एप्लीकेबल कर देंगे। यहाँ पे हमारा 18% टैक्स लग रहा है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे हमने मेंशन करा है 18%, तो 18% लगा के इसको हम सेव कर देंगे। 10,000 रुपये वैल्यू है, टैक्स लगाएंगे CGST SGST, और ये देखिए 11,800 रुपये बन गए, 1,800 रुपये हमारा टैक्स लगा था। तो ये हमने परचेस की तीनों एंट्रियों को हमने यहाँ पे समझ लिया और इसको हमने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा परचेज का वाउचर कंप्लीट होता है, हो सकता है आपको, आशा करता है आपको चीज़ समझ में आई हो। नेक्स्ट हम चलते हैं सेल के वाउचर पे। सेल के वाउचर में कौन कौन से ट्रांजैक्शन की एंट्री की जाती है, जब हम गुड्स या सर्विस की बिक्री चाहे नगद करें या उधार करें वो किस में जाएगी, सेल्स में, गुड्स और सर्विस में से कुछ भी बेचेंगे। जब हम गुड्स को सेल करते हैं तो उसकी पोस्टिंग सेल वाउचर के आइटम इनवॉइस में, गुड्स को सेल करते हैं जब, ठीक है। जब हम सर्विस को सेल करते हैं तो उसकी पोस्टिंग अकाउंटिंग सेल के अंदर अकाउंटिंग इनवॉइस में रिकॉर्ड करते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये हमारे तीन जो ट्रांजैक्शन थे परचेज के थे, अब सेल वाले ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। ये सेल के ट्रांजैक्शन है, शॉर्टकट की हो गई F8। तो गुड्स सोल्ड कर रहे हैं हम किसको, काजल इलेक्ट्रॉनिक को। तो यहाँ पे हम आए, इसके लिए हम शॉर्टकट की दबाएंगे, सेल की F8 शॉर्टकट की है, ये F8 हमने दबा दी। अभी हमारा अकाउंटिंग इनवॉइस की तरह हो रहा है, इसको अब हम क्या करेंगे, आइटम इनवॉइस की तरह हम इसको बना लेंगे ऑल्ट आई प्रेस करके, ठीक है। यहाँ पे हम लेजर क्रिएट करेंगे, काजल इलेक्ट्रॉनिक संडी डेटर है क्योंकि हमें पैसे देगा, देनदार है हमारा, कहाँ का है, यूपी का ही, हम एज्यूम कर लेते हैं उसको और हम इसको सेव कर देंगे। एड्रेस में आप एड्रेस फिल कर लेंगे, ठीक है। सेल का लेजर क्रिएट करेंगे ऑल्ट सी करके, सेल अकाउंट में जाएगा ये। और यहाँ पे हम टैक्स को लागू कर देंगे 12%,
जो भी टैक्स लगा होगा वही टैक्स हम लागू कर देंगे। तो यहाँ हमने टैक्सेबल करके यहाँ पे हमने कर दिया 12%। जीएसटी रेट कैसे सेटअप किया था मैं इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वो देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके। तो जो आइटम हमने खरीदे थे वही आइटम हम यहाँ पे हम सील कर रहे हैं। इन आइटमों को मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये पहले मैंने थोड़ा सा बनाया तो इसी को लेके था, पर वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसलिए मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। खाली तीन आइटम जो हमने परचेज करे थे उसी की हम सेल दिखा देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने ये जो आइटम परचेज किया है LH 185 रैफ, हम यहाँ पे तीन पीस बेच रहे हैं 15,000 के हिसाब से। सेकंड चीज़ पे हमने जो परचेज़ की 195 रैफ, देखिए जो हमने आइटम परचेज किए थे वो ऑलरेडी यहाँ पे स्टॉक आइटम के अंदर आ रहे हैं। अगर मैं इसको ऑल टाई करके अकाउंटिंग में वेस्ट कर दूंगा तो यहाँ पे कोई आइटम नहीं आएंगे। तो जो आइटम हमने खरीदे ऑब्वियस सी बात है वही हम बेचेंगे। तीन पीस हम यहाँ 17,000 के हिसाब से बेच रहे हैं। और ये लास्ट आइटम हमारा LH 22 इंची LED है, ये भी हम तीन पीस बेच रहे हैं 12,000 के हिसाब से। लोकल में बेच रहे हैं इसलिए लोकल टैक्स लगेगा, CGST SGST सब कुछ ऑटो मोड पे ले रहा है वो। और ये हमने क्या करा, सेव कर दिया सेल के वाउचर के अंदर, किस में, आइटम इनवॉइस की तरह। तो ये एंट्री हमारी सेव हो गई। सेल का नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, इनवॉइस इशू टू गौरव एंड कंपनी एज ऑडिटिंग फीस फॉर द फाइनेंशियल ईयर। अब ये सर्विस इनवॉइस है, ये क्या था, आइटम इनवॉइस था, ये क्या है, सर्विस इनवॉइस है सेकंड नंबर पे। तो सेकंड नंबर पे सर्विस इनवॉइस बनाते हैं, डेट चेंज कर लेते हैं 2/2/2020। पार्टी का नाम है गौरव एंड कंपनी जिसको हम इनवॉइस इशू कर रहे हैं, संडी डेटर क्योंकि हमें पैसे देगा। तो ये हमारा जो है ये सर्विस इनवॉइस है, पहले वाला हमारा आइटम इनवॉइस था। GST नंबर डालना जरूरी है, यहाँ पे फिल करना जरूरी है, अभी मैं फिल नहीं कर रहा हूँ। सेल का अकाउंट में नहीं फीड करेंगे इसको, अब हम क्या करेंगे, इसको ऑल्ट आई करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम क्या बेच रहे हैं, सर्विस बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं, सर्विस बेच रहे हैं, तो ऑल्ट आई कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हम ऑडिटिंग चार्जेस करके एक नया लेजर क्रिएट कर लेंगे। ऑडिटिंग चार्जेस अभी हमने क्रिएट किया था, ऑडिटिंग फीस करके कर लेते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हम ले रहे हैं सामने वाले से फीस तो हमारे लिए इनकम है। यहाँ पे हम टैक्स को लागू कर देंगे, 18% हम टैक्स लगा है इसके अंदर हमारा, तो 18% टैक्स लागू कर दिया। सर्विस इनवॉइस फीड कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे सर्विस सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे हम जो सामने वाले से ले रहे हैं वो 10,000 ले रहे हैं। लोकल में करें तो CGST SGST लगा देंगे, बाहर करेंगे तो IGST लगा देंगे। तो ये हमारा क्या हुआ कि सेल का एक आइटम इनवॉइस हमने फीड कर लिया, एक हमने क्या कर लिया, सर्विस इनवॉइस को हमने फीड कर लिया। तो यहाँ पे हमने क्या करा था, जब हम गुड्स को सर्विस की बिक्री करते हैं, चाहे वो नगद हो उधार हो, सेल में जाएगी, जब हम गुड्स को सेल करते हैं तो उसकी पोस्टिंग आइटम इनवॉइस की तरह रिकॉर्ड की जाती है, जब हम सर्विस को सेल करते हैं तो उसकी पोस्टिंग अकाउंटिंग इनवॉइस की तरह रिकॉर्ड की जाती है। नेक्स्ट क्रेडिट नोट क्या होता है, तो अब क्रेडिट नोट समझ लेते हैं। क्रेडिट नोट की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+F8। क्या है, Ctrl+F8, यहाँ पे लिखा हुआ है F8, दो लाइनें इसके नीचे तो इसका मतलब कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे, सिंगल लाइन होगी तो ऑल्ट के साथ प्रेस करेंगे। तो Ctrl+F8 क्रेडिट नोट की शॉर्टकट की है। यहाँ पे भी सेम फंडा आइटम इनवॉइस और अकाउंटिंग इनवॉइस वाला चलेगा। तो पहले हम इसकी थ्योरी समझ लेते हैं। जब हमारे द्वारा सेल किए गए गुड्स या सर्विस की वापसी होती है, जिस गुड्स को हम सेल करते हैं तो हम सामने वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट नोट इशू करते हैं अगर उसकी वापसी आती है तो। जब हमारे द्वारा सेल किए गए गुड्स या सर्विस की वापसी आती है तो हम किस में पोस्ट करेंगे, Ctrl+F8 क्रेडिट नोट उसको इशू करेंगे। जब हम गुड्स या सर्विस की सेल के बाद पार्टीज को डिस्काउंट देते हैं तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट नोट इशू करेंगे, क्योंकि हम अपनी बुक्स में पार्टी को क्रेडिट करते हैं इसलिए इसका नाम है क्रेडिट नोट। जब हम किसी को सेल करते हैं तो हम पार्टी को डेबिट करते हैं, जब हम उसको उसको डिस्काउंट देते हैं तो हम पार्टी को क्रेडिट करते हैं इसलिए इसका नाम क्रेडिट नोट है। तो जब भी हम सेल के बाद सेल से रिलेटेड अगर हमारे पास रिटर्न आई है तो क्रेडिट नोट, सेल के बाद अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो क्रेडिट नोट, जब हमारे द्वारा सेल किए गए गुड्स या सर्विस की पार्टी को हम अपनी बुक्स में क्रेडिट करते हैं तो हम उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट नोट इशू करेंगे। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं, एक हमने यहाँ पे ट्रांजेक्शन इसका बनाया है तो क्रेडिट नोट पे आए थे, ये रहा हमारा क्रेडिट नोट, सेल रिटर्न फ्रॉम काजल इलेक्ट्रॉनिक। हमने काजल इलेक्ट्रॉनिक को माल बेचा था, उससे हमारे को क्या हुआ है, एक रेफ्रिजरेटर हमारे पास वापस आ गया, ठीक है साहब। तो यहाँ पे हमारे पास आइटम वापस आ रहा है इसलिए हम आइटम इनवॉइस की तरह इसको फीड करेंगे। शॉर्टकट की हमने Ctrl+F8 दबा के यहाँ पे क्रेडिट नोट ओपन कर दिया। डेट डाल देंगे 5/1/2020। पार्टी नेम यहाँ पे क्या है, किससे वापसी आ रहा है हमारे पास, काजल इलेक्ट्रॉनिक से। सेल का अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, आइटम इनवॉइस में फीड करेंगे और सेल का अकाउंट ही हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। क्या वापस आ रहा है यहाँ पे देख लेते हैं, LH 185 एक रैफ हमारे जो हमने बेचा था वो हमारे पास वापस आ रहा है। तो एक पीस हमने यहाँ पे वापसी दिखा दिया, 15,000 रुपये से वापस आ रहा है। टैक्स लगा देंगे CGST, क्योंकि GST का समय है तो टैक्स लगाना ज़रूरी है।
क्योंकि हमने टैक्स लगा के ही बेचा था पार्टी को, तो टैक्स लगा के वापसी लेंगे उसकी। ये हमने क्या करा, क्रेडिट नोट हमारा बन गया, पार्टी को इशू हो गया। इसका हम प्रिंट भी करके दिखा देते हैं, ऑल्ट भी करेंगे तो प्रिंट इसका निकल जाएगा। इस तरीके से क्रेडिट नोट की तरह प्रिंट इसका निकल जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्रेडिट नोट हम काय का इशू कर रहे हैं, अ क्रेडिट नोट इशू टू काजल इलेक्ट्रॉनिक एज इंसेंटिव ऑन सेल। यहाँ पे हम आइटम वाइटम तो वापस नहीं ले रहे हैं, पर जो हमने उसको माल बेचा था उसके ऊपर हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। यहाँ पे हमने जो मेंशन किया था, जब हम गुड्स या सर्विस की सेल के बाद पार्टी को डिस्काउंट देते तो क्या इशू करेंगे, क्रेडिट नोट करेंगे। तो अब यहाँ पे हम आइटम इनवॉइस की तरह नहीं इसको फीड करेंगे, अकाउंटिंग इनवॉइस की तरह फीड करेंगे। और यहाँ पे हम नाम सेलेक्ट कर लेंगे, काजल इलेक्ट्रॉनिक, डिस्काउंट दे रहे हैं इसलिए ऑल्ट सी करके डिस्काउंट का क्लेजा क्रिएट कर लेंगे, जो कि हमारे लिए खर्चा है क्योंकि हम सामने वाली पार्टी को दे रहे हैं। यहाँ पे टैक्स इनेबल कर लेंगे, जो टैक्स लग रहा होगा 18% टैक्स है, इसलिए हम यहाँ पे 18% टैक्स कर लेंगे और उसको सेव कर देंगे। कितने रुपए का हम इसको क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं, 500 रुपये का इंसेंटिव का क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं, 500 रुपये लिखेंगे और CGST और SGST टैक्स लगा के ये हमारा जो है क्रेडिट नोट हमारा बन गया। यहाँ डिटेल आप मेंशन कर सकते हो कि किसका क्रेडिट नोट दे रहे हो, किस रूप में, अगर नहीं भी करोगे तो कोई इशू नहीं है इससे। तो ये हमने क्रेडिट नोट एक बना दिया, डिस्काउंट का क्रेडिट नोट है, आइटम इनवॉइस की तरह इसको फीड नहीं करेंगे, अकाउंटिंग इनवॉइस की तरह फीड करेंगे, ठीक है साहब। क्रेडिट नोट समझ में आ गया। अब हम चलते हैं डेबिट नोट के ऊपर, ये हमारा डेबिट नोट का एग्जांपल है, डेबिट नोट की थोड़ी समझ लेते हैं। डेबिट नोट के वाउचर में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन की एंट्री कहती है, जब हमारे द्वारा परचेज किए गए गुड्स या सर्विस की हम वापसी या रिटर्न दिखाते हैं तो हम किस में पोस्ट करेंगे, डेबिट नोट में पोस्ट करेंगे। जब हम गुड्स को परचेज करते हैं और उसकी हम वापसी करते हैं तो हम किस में करेंगे, डेबिट नोट, मतलब परचेज रिटर्न। जब हम गुड्स या सर्विस की परचेज के बाद पार्टी से डिस्काउंट लेते हैं, हमने माल तो खरीदा, अब हमें लगा कि कम रेट ज़्यादा लग के आ गया, या हम सामने वाले को किसी तरीके का उससे डिस्काउंट ले रहे हैं, तो हम किस में फीड करेंगे, डेबिट नोट इशू करेंगे। नेक्स्ट, जब हमारे द्वारा परचेज किए गए गुड्स या सर्विस की पार्टी को हम अपनी बुक्स में डेबिट करते हैं, जब हम कभी भी जिससे माल को खरीदते हैं सर्विस को खरीदते हैं उस पार्टी को हम अपनी बुक्स में डेबिट करते हैं तो उसको डेबिट नोट बोलते हैं। जब हम माल को सेल करते हैं और उससे हम उसको वापसी करते हैं तो उसको क्रेडिट नोट बोलते हैं। जब हम माल को परचेज करते हैं और उसकी वापसी करते हैं तो हम उसको डेबिट नोट बोलते हैं, क्योंकि हम पार्टी को अपने बुक्स के अंदर डेबिट कर रहे होते हैं। चलिए इसका एग्जांपल समझते हैं, इसकी शॉर्टकट की क्या है, F9 कंट्रोल F9, क्योंकि यहाँ पे डबल लाइन है F9 के नीचे तो उसकी शॉर्टकट बनी कंट्रोल F9। शॉर्टकट की के ऊपर हमने बहुत अच्छी वीडियोज़ डाली हैं, वो भी आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसका क्वेश्चन समझते हैं, परचेज रिटर्न वाला है ये, परचेज रिटर्न टू बजाज इलेक्ट्रॉनिक, बजाज इलेक्ट्रॉनिक से हमने माल खरीदा था उसको हम वापसी कर रहे हैं। डेट चेंज कर लेंगे 6/1/2020, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर जिससे हमने खरीदा था वो हम डाल सकते हैं यहाँ पे, नहीं भी डालो तो कोई इशू नहीं है, पर डालना जरूरी है क्योंकि रिटर्न के हिसाब से। अभी हम खाली क्वेश्चन है इसलिए हम स्पीडी थोड़ा काम कर रहे हैं। तो बजाज इलेक्ट्रॉनिक को हम वापसी कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, आइटम वापस कर रहे हैं तो अगेन ऑल्ट आई दबाएंगे। ऑल्ट आई का बहुत बड़ा रोल है परचेज और सेल और डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट में, तो ऑल्ट आई कर दिया। यहाँ पे परचेज का लेजर सेलेक्ट करेंगे क्योंकि परचेज रिटर्न है, यहाँ पे डेबिट नोट इशू कर रहे हैं, क्या वापस कर रहे हैं, LH185 एक रैफ हम वापस कर रहे हैं। तो हम एक ही वीडियो में काफ़ी कुछ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा और थोड़ा सा स्पीड में है, बाकी इस सारे ट्रांजेक्शनों को हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है तो वो भी आप जाके देख सकते हैं अगर आपको स्लोली समझना है। तो CGST, अब ये बाहर की पार्टी है, देखिए ये बाहर की पार्टी थी तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, IGST लगाएंगे। बाहर का मतलब है हमारी स्टेट से बाहर हमने माल को ख़रीदा था, अगर मैं यहाँ पे CGST लगाऊंगा तो यहाँ पे कुछ आएगा ही नहीं, देखिए जीरो हो गया। SGST लगाऊंगा कुछ नहीं आएगा क्योंकि लोकल टैक्स नहीं है, यहाँ पे हम बाहर अपने स्टेट से बाहर हम गुड्स को वापसी कर रहे हैं, तो IGST हमने लगाया। और ये हम यहाँ पे रीज़न दे सकते हैं कि परचेज रिटर्न है, सेल रिटर्न है, क्या है, जो भी आप रीज़न देना चाहो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे रीज़न दे सकते हो, और नरेशन के अंदर कुछ भी नरेशन जो आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो ये हमारा डेबिट नोट एक बन गया गुड्स का। नेक्स्ट डेबिट नोट हमारा क्या है, अ डेबिट नोट इशू टू CA अगेंस्ट इनवॉइस नंबर बिकॉज एक्सेस अमाउंट चार्ज इन इनवॉइस। देखिए ऊपर के ट्रांजेक्शन में जब हमने परचेज के ट्रांजेक्शन फीड किए थे तो हमें एक इनवॉइस मिला था CA से 10,000 रुपये का। अब हम कह रहे हैं कि भैया आपने जो 10,000 रुपये है हमारे ऊपर जो है 2,000 रुपये ज़्यादा लगा दिए, जबकि ऑडिट फीस थी 8,000 रुपये, तो इसके लिए हम उसको एक डिस्काउंट का डेबिट नोट इशू कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसकी एंट्री करेंगे, ठीक है। डेट है 4/1/2020 ट्रांजेक्शन के अंदर, ऑल टाई करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे गुड्स को वापसी नहीं कर रहे हैं, हम डिस्काउंट का एक डेबिट नोट इशू कर रहे हैं, ठीक है। CA हमने कौन से, CA एंड कंपनी से CA का एक बिल आया था, ऑडिट चार्जेस के अंदर हमने उसको फीड करा था, ठीक है। 2,000 रुपये हमें लग रहा है कि ज़्यादा है तो हम इसको 2,000 रुपये से डेबिट करेंगे, और यहाँ पे हम लोकल था तो लोकल टैक्स लगा देंगे। एक एक करके हम सबके लेजर भी अभी सीखेंगे कि लेजर में क्या इम्पैक्ट पड़ा।
तो ये हमारा डेबिट नोट डिस्काउंट का बन गया या सर्विस रिटर्न का बन गया, ठीक है, सर्विस रिटर्न भी बोल सकते हैं। तो ये सारे हमारे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गए। अब वन बाय वन इनके हम लेजर देख रहे थे कि लेजर पे क्या इफेक्ट पड़ा था। तो सबसे पहले हम बजाज इलेक्ट्रॉनिक को खोलते हैं, यहाँ पे DAL करेंगे, शॉर्टकट की लेजर को देखने की है। बजाज इलेक्ट्रॉनिक ओपन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमने ट्रांजेक्शन कम्प्लीट करे थे, पहले हमने परचेज करा था, देखिए परचेज 1,62,400 का, देन डेबिट नोट। यहाँ पे हम पार्टी को डेबिट किया है, देख रहे हैं आप, इसलिए इसका नाम डेबिट नोट है। पार्टी को डेबिट किया इसलिए इसका नाम डेबिट नोट है। आज की तारीख में जो उसको बैलेंस देना है 1,39,440, 1,62,000 रुपये का माल खरीदा था जिसमें से 22,960 का माल हमने वापसी करा। यहाँ पे एंटर मार के एंटर प्रेस करके हम देख सकते हैं। तो यहाँ पार्टी को डेबिट करा था इसलिए इसका डेबिट नोट है। सेकंड नंबर पे जो था हमारा CA था जिससे हमने सर्विस खरीदी थी, तो CA को देख लेते हैं। देखिए CA से हमें 11,800 का बिल मिला था, 10,000 प्लस टैक्सेस, हमने उसको डेबिट कर दिया। कितने रुपये से? 2,000 रुपये से, क्योंकि हमने उसको यहाँ पर डेबिट नोट इशू किया था। डेबिट नोट का मतलब जो हम पार्टी को डेबिट करते हैं अपनी बुक्स में, इसलिए उसको डेबिट नोट इसका नाम रखा गया है। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, समझिए आप, ठीक है। अब आते हैं हम सेल वाली पार्टी के ऊपर। हमने सेल किसको करा था? काजल इलेक्ट्रॉनिक को। तो हम काजल इलेक्ट्रॉनिक का लेजर खोल लेंगे। देखिए हमने सेल करा था 1,47,840 का, फिर हमने एक आइटम वाला क्रेडिट नोट, मतलब हमारे पास माल वापस आया था, पार्टी को हमने अपनी बुक्स में क्रेडिट करा था, तो 16,800 का वो क्रेडिट नोट, और उसके बाद एक क्रेडिट नोट हमने लिया इससे डिस्काउंट का, तो एक डिस्काउंट का क्रेडिट नोट। तो ये दोनों हमने अपनी बुक्स में पार्टी को क्रेडिट किया इसलिए इनको क्रेडिट नोट बोला गया। यहाँ पे हमने माल बेचा था, तो यहाँ सेल के वाउचर टाइप सेल है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसका बैलेंस है 1,30,450, 1,47,840 का हमने यहाँ पे बेचा था। तो इस तरीके से हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की एंट्रियों को, परचेज और सेल की एंट्रीज को करते हैं। मैं एक बार दोबारा से वीडियो को समअप करके फटाफट से जल्दी से आपको बताया था जिससे कि आपका प्रॉपर रिवीजन हो जाए। तो इस वीडियो में हमने सीखा सेल का बिल, परचेज का बिल, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। सेल के बिल के अंदर कौन सी एंट्री आएंगी? जब हम गुड्स या सर्विस की परचेज वाला है, परचेज के अंदर कौन सी एंट्री आएगी? जब हम गुड्स या सर्विस की परचेज करते हैं, गुड्स या सर्विस की परचेज करते हैं, चाहे वो नगद में हो चाहे वो उधार में हो। जब हम गुड्स को सेल करने के लिए परचेज करते हैं तो हम कैसे फिट करेंगे? आइटम इनवॉइस में। जब हम गुड्स को सेल करने के लिए परचेज करते हैं तो आइटम इनवॉइस में। जब हम सर्विस को परचेज करते हैं तो अकाउंटिंग इनवॉइस में। अकाउंटिंग इनवॉइस और आइटम इनवॉइस में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, द्वारा बताया था। वाउचर में आके जब भी आप F9 या F8 में करो तो ऑल्ट आई आइटम इनवॉइस हो जाता है यहाँ पे, और ऑल्ट आई अगेन करने पे अकाउंटिंग इनवॉइस हो जाता है। इसकी शॉर्टकट की यहाँ पे देखिए दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। सेल के वाउचर के अंदर कौन सी एंट्री आएगी? जब हम गुड्स या सर्विस की सेल करते हैं, चाहे वो नगद में हो चाहे उधार में हो, सेल के वाउचर में आएगी। जब हम गुड्स को सेल करते हैं तो उसकी पोस्टिंग आइटम इनवॉइस की तरह होती है, जब हम सर्विस को सेल करते हैं तो उसकी पोस्टिंग अकाउंटिंग इनवॉइस की तरह होती है। नेक्स्ट, क्रेडिट नोट के वाउचर के अंदर कौन सी एंट्री आती है? जब हमारे द्वारा सेल किए हुए गुड्स, जब हम गुड्स को सेल करते हैं उसकी वापसी आती है, मतलब सेल रिटर्न आती है, तो क्रेडिट नोट इशू करते हैं। जब हम गुड्स या सर्विस की सेल करते हैं उसके बाद हम पार्टीज को डिस्काउंट देते हैं किसी भी तरीके का, मतलब अपनी बुक्स में पार्टी को क्रेडिट करते हैं, तो हम उसको क्रेडिट नोट इशू करते हैं। डेबिट नोट में कौन सी एंट्री आएगी? जब हमारे द्वारा परचेज किए गए गुड्स या सर्विस की हम वापसी करते हैं, जो माल हमने खरीदा था हम उसकी परचेज की वापसी कर रहे हैं, मतलब परचेज रिटर्न, तो उसे हम डेबिट नोट करते हैं। या फिर हम किस जिनसे हमने माल खरीदा था उससे हम किसी तरीके का डिस्काउंट लेते हैं या पार्टीज को अपनी बुक्स के अंदर डेबिट करते हैं, तो हम डेबिट नोट इशू करते हैं। तो ये सारी थ्योरी थी, क्वेश्चन हमने यहाँ पे समझा दिया। क्वेश्चन का अगर किसी को वर्ड में इसकी अगर कॉपी चाहिए हो तो मैं उसको आप अपनी मेल आईडी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूँ, मैं ये आपको भेज दूंगा जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टैली के ऊपर ये सारी चीज़ें हमने समझ ली है। एक चीज़ आ गई कि भाई इनवॉइस का प्रिंट कैसे निकलेगा, तो इनवॉइस का प्रिंट हम निकाल लेते हैं। इसके लिए हम सेल रजिस्टर में जाएंगे, DAS सेल रजिस्टर की शॉर्टकट की है। यहाँ पे हम आके ऑल्ट पी करेंगे और इसको हम प्रिंट कर देंगे। तो इस तरीके की हमारी प्रिंट की इनवॉइस निकल सकती है। अभी ये अधूरा है क्योंकि मैंने इसमें कुछ अमेंडमेंट करे हैं, आपको लग रहा होगा थोड़ा सा अधूरा है क्योंकि इसमें आइटम नहीं आ रहे, तो मैं इसको अभी सही कर देता हूँ एक मिनट के अंदर, क्योंकि ये एक्चुअली मैंने पार्टी के हिसाब से इसको बना रखा था, जो मैं वर्क करता हूँ अकाउंटिंग का उसके अकॉर्डिंगली। पर अभी आपको प्रॉपर इनवॉइस का प्रिंट यहाँ पे मिलेगा, देखिए ये प्रॉपर इनवॉइस का प्रिंट आ गया। HSN कोड नहीं आ रहा क्योंकि हमने फिल नहीं करा था। बाकी ये देखिए प्रॉपर इनवॉइस का प्रिंट है, टैक्स वगैरह सब लग गया, नीचे टैक्स की वैल्यू खुल गई, सारी चीज़ें ओपन हो गई। कंपनी का नेम हमने YouTube वीडियो रख रखा है इसलिए YouTube वीडियो वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। इनवॉइस नंबर आ गया, डेट आ गया, आइटम आ गया, HSN कोड आ गया, वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। और अगर हम डेबिट नोट का प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की DES होती है। और यहाँ पर आने के बाद हम डेबिट नोट के अंदर आ जाएंगे, देखिए ज़रा ऊपर, और इसका प्रिंट कर देंगे ऑल्ट पी करके। तो ये हमारा डेबिट नोट का प्रिंट निकल गया, देखिए, ठीक है। ये प्रिंट की सेटिंग है, आप ये मत सोचिए प्रिंट ये लैंडस्केप में आ रहा है, ये प्रिंट की सबकी सेटिंग बनाई जाती है, जिस हिसाब से उसी हिसाब से प्रिंट निकलता है। तो प्रिंट की सेटिंग अभी हम यहाँ पर नहीं बता रहे,
क्योंकि वीडियो वैसे ही ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। सो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी इसी तरीके की और प्रैक्टिकल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।